بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Dear students, once again I'm here to record a video lecture of biology for you, and today my topic is major achievements of genetic engineering. In this video lecture you are going to learn about the achievements in the field of genetic engineering. Yani अभी तक जेनेटिक इंजीनियर्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं. तो अचीवमेंट्स को हम दो मेजर हेडिंग के साथ पढ़ेंगे. पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरी हमारी हेडिंग है अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ क्यूरिंग एनिमल डिजीजेस. अब जेनेटिक इंजीनियर या जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पहले ही से पढ़ चुके हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वी हैव डिफाइंड दैट इट्स अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी, और यू कैन से द सब फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स लेते हैं, उसका डीएनए उससे लेते हैं और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर डाल देते हैं, वहाँ में फिक्स करवा देते हैं. और ये टेक्निक हम इसलिए करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में हम जिस किस्म के खसूसियात या ट्रेट्स प्रोड्यूस करने चाहते हैं, तो हम उसके डीएनए के अंदर अपने मर्जी के या अपने खसूसियात पैदा करने वाले जीन्स हम उसके बॉडी के अंदर डाल देंगे, उसके डीएनए के अंदर डाल देंगे. जब उसके डीएनए में वो जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारी मर्जी के या हमारी जो खसूसियात हम पैदा करना चाहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो यही एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के. फिर आपने इसकी टेक्निक्स भी पढ़ी हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं. तो पहली अचीवमेंट्स हम यहाँ से शुरू करते हैं, अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, जिसमें तीन बड़े अचीवमेंट्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं. पहले अचीवमेंट्स है रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स. रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स का मतलब है कि प्लांट को हर्बिसाइड्स के खिलाफ रेजिस्टेंट बनाया गया है, यानी प्लांट के अंदर मुजाहमत है कि उसके ऊपर किसी हर्बिसाइड्स का असर नहीं होता. हर्बिसाइड्स किसे कहते हैं? रिमेंबर, हर्बिसाइड्स आर ऑल दोज केमिकल्स विच किल वीड्स. हमारे फसलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के घास फूस उगते हैं जो हमारे खेतों से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे जो क्रॉप हैं उसके यील्ड पर या उसकी पैदावार के ऊपर असरअंदाज होते हैं. अब जो फार्मर्स हैं वो इन क्रॉप्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल स्प्रे करते हैं जिससे वो वीड्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनके क्रॉप्स के ऊपर इस केमिकल का कोई असर नहीं होता. तो ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस. इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स के अंदर एक ऐसी जीन को एंटर करते हैं, वो जीन जब उस क्रॉप के बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है तो बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं, उस प्रोटीन की वजह से प्लांट इस हर्बिसाइड्स को रेजिस्टेंट हो जाता है. यानी जब हम उस फसल के ऊपर केमिकल्स को स्प्रे करेंगे तो हमारे फसल के ऊपर उस केमिकल का कोई असर नहीं होगा, वो उसी तरह अपनी ग्रोथ बरकरार रखेंगे, जबकि हमारे खेत में मौजूद जो घास फूस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. तो उसका फ़ायदा ये होगा कि खेत के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम न्यूट्रिएंट्स फिर हमारे फसल को मिलते हैं और वो ज़ाया नहीं होते. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की. दूसरी मेजर अचीवमेंट है रेजिस्टेंट अगेंस्ट वायरसेस. बहुत सारे क्रॉप्स को वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बना दिया गया है. वायरस के अटैक होते थे फॉर एग्जांपल टोमेटो के ऊपर, टोबैको के ऊपर, पोटैटो के ऊपर. जब वायरस इन प्लांट्स के ऊपर अटैक करता था तो उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशंस को वो डिस्ट्रॉय करता था, जिससे इन चीज़ों की या इन फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत बुरी हद तक वो उसको मुतासर करते थे. अब इन प्लांट्स को इन वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस बना दिया गया है. और रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है? रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म यही रखा गया है कि वो इन क्रॉप्स के अंदर एक ऐसे जीन को एंटर किया गया है कि जब वो जीन बॉडी के अंदर अपने आप को शो करता है तो बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, उन प्रोटीन्स की मौजूदगी में
कोई भी वायरस उस प्लांट के बॉडी के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर सकता, यानी वायरस उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो अब वो प्लांट वायरस को रेजिस्टेंट हो गया है। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस, राइट। और नेक्स्ट वन है रेजिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट्स। हम सब जानते हैं फसलों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, जिससे फसलों को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये इंसेक्ट फसलों को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इन इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आम तौर पर लोग केमिकल्स को स्प्रे करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। जब हम पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो पेस्टिसाइड से ये इंसेक्ट तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ में ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस फिर फसलों से वॉश होकर वाटर के अंदर आते हैं और ये ख़तरनाक किस्म के वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब इन इंसेक्ट्स को ख़त्म करने का जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक बेहतरीन तरीक़ाकार बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं प्लांट्स को हम कहते हैं रेजिस्टेंस बनाया गया है इन इंसेक्ट के खिलाफ। यानी प्लांट के बॉडी के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है कि उस जीन की मौजूदगी की वजह से, या जब वो जीन उस प्लांट के बॉडी के अंदर ख़ुद को एक्सप्रेस कर लेता है, तो बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस डेवलप होते हैं कि उन सब्सटेंसेस की मौजूदगी में ये इंसेक्ट्स उस प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ये उसमें डिजीज़ पैदा नहीं कर सकता। तो जब ये इंसेक्ट उसमें डिजीज़ पैदा नहीं कर सकता, तो फिर हमें केमिकल्स को स्प्रे करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह हमारे फसलें इन इंसेक्ट्स के अटैक से महफूज हो गई है विदाउट स्प्रेइंग केमिकल्स ऑन देम। तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्लियर हो गया है, हमें जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स उस केमिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और हमारे फसलें भी महफूज हो गए हैं। तो ये तीन मेजर अचीवमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में हुए हैं, और इसका हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे क्रॉप्स वो भी महफूज हो गए हैं, पैदावार भी बढ़ गई है, और हमारा एनवायरनमेंट भी महफूज हो गया है, उसमें भी खराबी केमिकल्स की वजह से खराबी नहीं आ रही। तो ये दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरे साइड पे मेजर अचीवमेंट्स हम पढ़ते हैं मेजर अचीवमेंट्स इन द क्योरिंग ऑफ एनिमल डिजीजेस। बहुत सारे डिजीज़ जो एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, और जिससे बहुत सारे एनिमल्स मरते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है। अब इन इस तरह के जितने भी ख़तरनाक डिजीज़ हैं, इनके लिए ट्रीटमेंट्स डेवलप किए गए हैं, जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट्स इन क्योरिंग एनिमल डिजीज़ वाले टाइटल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन आप जानते हैं इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसके बनाने का तरीका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। इसको बनाने के लिए ह्यूमन डीएनए से जीन लिया जाता है, इंसुलिन वाला जीन ये ह्यूमन डीएनए से लिया जाता है, उसको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड के अंदर इसको फिक्स किया जाता है। वो प्लाज्मिड में ये ह्यूमन डीएनए वाला जीन जब एक्सप्रेस हो जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरिया से फिर इस ह्यूमन इंसुलिन को कलेक्ट किया जाता है, उसको पैक किया जाता है, एंड पैकिंग के बाद इट इज़ सेंट टू द मार्केट, और वहाँ से फिर इसको डायबिटीज़ मलाइटस यानी शुगर के डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे घरों में बहुत सारे पेशेंट हैं जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में बॉडी को दिए जाते हैं, और इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये जो इंसुलिन हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी कमी को पूरा कर रहा है, और बॉडी में या ब्लड में शुगर लेवल को यही इंसुलिन फिर कम करता है, या आप कह सकते हैं कि कंट्रोल शुगर लेवल इन द बॉडी, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस। वैक्सीन हेपेटाइटिस आप जानते हैं हेपेटाइटिस एक डेडली डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से होती है, और ये वायरस हमारे लिवर के ऊपर अटैक करता है और लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। अब लिवर आप जानते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं मोस्टली परफॉर्म बाय लिवर। अब
ये बीमारी में हमारा लिवर डिस्ट्रॉय होता है, और लिवर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इट मींस कि दिस इज़ वेरी डेडली डिजीज़। अब इस डिजीज़ का इलाज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशंस। वैक्सीन आप जानते हैं, वैक्सीन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है कि जब ये सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, तो ये सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं वैक्सीन। ये वैक्सीन बनाए जाते हैं ईस्ट की मदद से, इस वैक्सीन को बनाया जाता है, और ये वैक्सीन जब ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो ब्लड के अंदर ये हेपेटाइटिस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी वक्त हेपेटाइटिस वायरस बॉडी में एंटर होगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद होंगी। ये एंटीबॉडीज उस वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगे और हम इस तरह से इस हेपेटाइटिस की डिजीज से महफूज हो जाते हैं। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट वन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है। कभी कभार बॉडी के अंदर डिसऑर्डर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता, और अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर हमारी हाइट बिल्कुल शॉर्ट रह जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉर्फिज्म। हम डॉर्फिज्म का शिकार हो जाते हैं, कद हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो अब ग्रोथ हार्मोन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, या आप कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, और वही टेक्निक से प्रोड्यूस होता है जिस टेक्निक से ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जाता है। इसका तरीक़ाकार भी यही है, ह्यूमन डीएनए से ग्रोथ हार्मोन वाला जीन आइसोलेट किया जाता है और उसको फिक्स किया जाता है इन द प्लाज्मेंट ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन वाला जीन एक्सप्रेस हो जाता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन उससे अलहदा किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं, और फिर इट इज़ सेंट टू द मार्केट, और फिर इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉर्फिज्म, यानी ऐसे लोगों के लिए फिर हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं जिनके बॉडी के अंदर नेचुरली ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते। दिस इज़ अनदर अचीवमेंट। अगली अचीवमेंट है एंटरफेरॉन। एंटरफेरॉन एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस प्रोटीन, यानी बॉडी के अंदर जब कोई वायरल अटैक हो जाता है, कोई वायरस हमारे सेल के ऊपर अटैक करता है, तो सेल के अंदर नेचुरली ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं जो उन वायरस के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, उसके ग्रोथ को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोटीन है एंटरफेरॉन। ये एंटरफेरॉन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं और वही टेक्निक यूज़ करते हैं जिस तरह हम ग्रोथ हार्मोन और ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तरीका इसका यही होता है कि एंटरफेरॉन वाला जीन ह्यूमन डीएनए से आइसोलेट किया जाता है, उसको बैक्टीरिया के अंदर फिक्स किया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर एंटरफेरॉन वाला जीन जब एक्सप्रेस हो जाता है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, और वही प्रोटीन फिर अगर किसी बॉडी के अंदर वायरल डिजीज़ है तो यही प्रोटीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और ये प्रोटीन वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरह जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उसके लिए बतौर ट्रीटमेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये है एंटरफेरॉन। दिस इज़ अनदर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन है वैक्सीन अगेंस्ट कोक्साइडियोसिस। कोक्साइडियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एनिमल के ऊपर आती है, जो माल मवेशी है उसके ऊपर आती है, और ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी इस वजह से है कि ये हमारे शीप के ऊपर और गोट्स के ऊपर, काउस के ऊपर, इस तरह के एनिमल्स के ऊपर आती है और इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन तक ख़त्म कर सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है। अब इस बीमारी को कंट्रोल किया गया है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन, यानी इसके वैक्सीन बनाए गए हैं, और वैक्सीन के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने आपको बता दिया है कि वैक्सीन ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जो वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर चले जाते हैं, तो ये ब्लड का इम्यून सिस्टम इंड्यूस करता है कि वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा कर लें। तो ये वैक्सीन कोक्साइडियोसिस के ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब इसका पैथोजन या वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म वो अटैक करता है, तो ये वैक्सीन ने जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए हुए हैं ये उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और बीमारी से ऑर्गेनिज़म महफूज हो जाता है। इसी तरह से वैक्सीन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज़, तो फुट एंड माउथ डिजीज़ भी एक डिजीज़ है जो एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं और इसको भी वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वन है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस तरीक़ेकार में बॉडी के अंदर कोई भी अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। टेक्निक ये होते हैं कि सेल के अंदर एक स्पेसिफिक जीन को एंटर किया जाता है, वो जीन जब उस बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है तो उसमें वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इसको इनिशियली अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, आजकल जितने भी बॉडी के अंदर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक यही है कि एक पेशेंट सेल के अंदर जहाँ पे ये डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करता है उसके सेल के अंदर एक स्पेसिफिक जीन को एंटर किया जाएगा, वो जीन जब बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होगा तो उससे वो जेनेटिक डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जीन थेरेपी। और नेक्स्ट वन है वैक्सीन अगेंस्ट ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस भी एक पैरासिटिक डिसऑर्डर्स हैं जो ह्यूमंस के ऊपर भी अटैक करता है और एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करता है, और इसकी ट्रीटमेंट भी विद द हेल्प ऑफ ऐसे प्रोटीन। अब जेनेटिक इंजीनियर्स जो है वो ऐसे प्रोटीन को तलाश कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं कि जो ट्रिपैनोसोमियासिस के पैरासाइट को किल कर सके, यानी जिस बॉडी के अंदर ये ट्रिपैनोसोमियासिस एग्जिस्ट करता है तो बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन को एंटर किया जाएगा, वो प्रोटीन इसके पैरासाइट को किल करेगा और इस तरह हम इस डिज़ीज़ से महफूज हो जाते हैं। और लास्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ग्रेट अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दैट इज़ एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग क्या चीज़ है, तो इसका जवाब ये है, एनिमल क्लोनिंग में एक सोमैटिक सेल से पूरा एनिमल क्लोन किया जाता है या पूरा एनिमल बनाया जाता है, और ये वो टेक्निक है जिसमें जेनेटिक इंजीनियर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। तरीक़ेकार इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल वीडियो करेंगे, अगली वीडियो हमारी इसके ऊपर डिटेल होगी, डिटेल में मैं वीडियो करूँगा जिसमें एनिमल क्लोनिंग के प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तक आप इसमें इतना सीख ले कि ये वो टेक्निक है एनिमल क्लोनिंग में कि जिसमें एक सोमैटिक सेल से पूरा एनिमल बनाया जाता है, पूरा एक ऐसा एनिमल जो खसूसियात में जिससे हम सोमैटिक सेल ले रहे हैं एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी, तो इस टेक्निक को कहा जाता है एनिमल क्लोनिंग। दिस इज़ द विंडो द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़अना वज़िदना इल्मा।